नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या बूस्टर डोज सबके लिए जरूरी है। जी हां, क्या बूस्टर डोज सबको लेना चाहिए, खासतौर पर 18 साल से जो ऊपर के लोग। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आइए बढ़ते हैं स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि बूस्टर डोज हम सबके लिए कितना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, बूस्टर डोज जरूरी है या नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये बड़ा सवाल है और इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरनेशनल जनरल में ये बात कही गई है कि दो डोज स्वस्थ इंसान के लिए काफी, मतलब अगर आपने दो डोज ले लिया है तो एक हेल्दी इंसान के लिए, हेल्दी आदमी के लिए ये काफी है। मतलब आपको इतना इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगा कि आपको किसी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल जर्नल में ये आर्टिकल छपा है, ये रिसर्च छपा है, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और साथ ही साथ दूसरा लाइन बेहद इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वायरस से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जी हाँ, ओवर एक्सपोजर से, अगर वायरस से ज़्यादा एक्सपोज आप होते हो तो संक्रमण होगा ही, भले ही आपने बूस्टर डोज लिया हुआ है। मतलब साफ है कि अगर आपने बूस्टर डोज ले भी लिया है, ओवर एक्सपोजर है, आप वायरस के बीच में ही रह रहे हो, वैसे लोगों के ही बीच में रह रहे हो, तो जाहिर तौर पर ओवर एक्सपोजर के बाद बूस्टर डोज भी आपको कोरोना से बचा नहीं पाएगा। तीसरी बात, क्या होता है जब दो डोज लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब वैक्सीन लिया जाता है तो जाहिर तौर पर शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है। इम्यूनिटी किसको कहते हैं? इम्यूनिटी एक तरह का कवच होता है शरीर, और मैं आपको एक तरीके से समझाऊं तो कहा यह जाता है कि दो लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब डिफेंस का, सुरक्षा का दो लेयर होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी क्या करता है? वायरस को घुसने से रोकता है, उसको मारता है। और अगर वायरस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो गया तो दूसरा क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। मैं आपको बता दूं कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्या कहते हैं? मेमोरी सेल्स कहते हैं। और मेमोरी सेल्स में बीटा जेनर, टी जेनर, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स होता है। जी हां, और मेमोरी सेल्स का जो टी सेल्स होता है वो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वायरस चकमा देने में कामयाब हो गया तो टी सेल्स क्या करता है? उसको हटा देता है। मतलब वायरस अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गया, चकमा दे गया, तो टी सेल उस वायरस को हटा देता है जो इनिशियल लाइन को ब्रीच करता है। और इस तरीके से ये जो मेमोरी सेल्स है जिसका टी सेल्स कंपोनेंट है वो हमें वायरस के आक्रमण से बचाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो डोज ऑफ वैक्सीन लिया जाता है तो दो लाइन ऑफ डिफेंस शरीर में तैयार होता है, और ये दो लाइन ऑफ डिफेंस शरीर में इस तरीके से काम करता और हमें बचाता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने दूसरा डोज ले लिया है उनको 9 महीने के बाद बूस्टर डोज भी लेना चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो वेन करने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है, और इम्यूनिटी खत्म होने लगता है, इसलिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत है। क्या वाकई जरूरत है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंसर हाँ या ना में कतई नहीं कहा जा सकता, पर इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बूस्टर डोज हमारी जरूरत है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल जो बार बार उठता है कि इम्यूनिटी 7 और 8 महीने में खत्म हो जाती है, जी हाँ, ये बात गलत है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। अगर मैं आपको कह दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में बकायदा इस पे खबर लिखी गई और बताया गया, एक्सपर्ट ने ये जवाब दिया कि नहीं, 7-8 महीने में इम्यूनिटी खत्म नहीं हो जाती, और वजह ये कही जाती है कि जो मेमोरी सेल्स की लाइफ होती है वो लंबी होती है और वो वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है।
जैसे ही कोई बाहरी वायरस हमारे शरीर में घुसता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को चकमा भी दे देता है, तो मेमोरी सेल्स क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और मेमोरी सेल्स का जो कंपोनेंट टी सेल्स है, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसने चकमा भी दिया तो फिर भी टी सेल्स एक्टिवली काम करने लगता है और वो टी सेल्स उस वायरस को हटाने का काम करता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो दो लेयर डिफेंस का है वो कितना कारगर है जो शरीर के अंदर काम करता है। इसलिए ये कहना कि 7-8 महीने में मेमोरी सेल्स भी खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। पर सवाल उठता है कि क्या फिर बूस्टर डोज लेने की जरूरत है, तो हम उसका जवाब भी देंगे। कहा यह जाता है कि उम्र बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, जितना बूढ़ा उतनी जरूरत। मतलब अगर उम्र ज्यादा है, बूढ़ा है और साथ साथ ही अगर उसमें इम्यूनो सप्रेसेंट डिजीज है, मतलब डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसको बूस्टर डोज की जरूरत है। जी हाँ, उसका इम्यूनिटी वेन कर सकता है। और अगर इम्यूनिटी वेन नहीं भी किया, खत्म नहीं भी हुआ, तो इतना एंटीबॉडी उसके शरीर में नहीं होगा कि उसके बॉडी के अंदर डिफेंस प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इसीलिए बूस्टर डोज की जरूरत उन लोगों में ज्यादा। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि सरकार ने पहले फैसला क्या किया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनका ओवर एक्सपोजर होता है, और साथ ही साथ जो 60+ हैं, उनको बूस्टर डोज की जरूरत है। और उसके बाद जब अभी दुनिया के देशों में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं कि चौथी लहर का सामना करना पड़ेगा, तो 10 अप्रैल से 18 साल और उसके ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लिए जाने की सलाह दी गई है। तो 18 साल से ऊपर के लोग जो स्वस्थ हैं, उनको लेने की जरूरत है या नहीं है, ये डिबेटेबल मुद्दा जरूर है। लेकिन जो लोग और ज्यादा उम्र के हैं और जिनके अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट डिजीज है, उन्हें तो जरूर ही लेना चाहिए। और अगर आप बूस्टर डोज ले भी लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये और भी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा, पुख्ता बनाएगा। यही बात हम आपसे करना चाह रहे थे। लेकिन इसमें मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है, वो क्या है, एज। जितना बूढ़ा उतनी जरूरत। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर के दरमियान जब बड़ी आबादी ओमिक्रॉन के चपेट में आई, पता भी नहीं चला या पता भी चला तो बहुत माइल्ड था, तो उनके अंदर नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से भी इम्यूनिटी पैदा हुआ, और जो इम्यूनिटी पैदा हुआ वो दो लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर गया। मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ और समझाने की कोशिश करते हैं, आपसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कई ऐसे देश जिन्होंने 3-4 शॉट्स ले लिए, उसके बाद भी परपेचुअल वेव्स का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जैसे मैं इजराइल की बात करूं, वहां 3-3, 4-4 शॉट्स लिए जा चुके हैं, उसके बाद भी लगातार वहां पर लहरें आ रही है। अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो वो चौथे लहर का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिरकार इसकी बड़ी वजह क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ओवर एक्सपोजर है, जी हाँ, भले ही आपने बूस्टर डोज भी लिया हुआ है तो भी खतरा रहता है, मतलब आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, इजराइल में 3-4 दफा वैक्सीन लेने के बाद भी नई लहर, पूरी आबादी वैक्सीन ले चुकी है फिर भी नई लहर की वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। फिनलैंड में ओमिक्रॉन का कहर जारी है और चौथा बूस्टर डोज रिकमेंड किया गया, तो आप समझ लीजिए तीसरा बूस्टर डोज तो पड़ ही चुका है, चौथा बूस्टर डोज भी रिकमेंड किया गया। और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 3 महीनों में महामारी के समय से मौतें ज़्यादा, मतलब ओमिक्रॉन का कहर जारी है और पिछले 3 महीने में इतनी मौतें हुई हैं जितना कि जो पेंडेमिक का मेन पीरियड था उससे ज़्यादा ये मौतें हुई। और इसकी बड़ी वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि 99% बूढ़ा आदमी वैक्सीन के अलावा बूस्टर डोज लिया, पर बूस्टर डोज लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना होता है तो उसको मालूम है, जब आप वैक्सीन लेते हो उसके बाद भी कोरोना होता है तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं।
और बूढ़े लोगों में अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि 99% लोग फिनलैंड में ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वैक्सीन ही नहीं लिया, बूस्टर डोज भी लिया, और वो बूढ़े हैं और उन्हें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। इस वजह से मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब साफ है कि अगर उम्र ज़्यादा है, भले ही आपने दो डोज लिया उसके बाद बूस्टर डोज लिया, फिर भी आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो गया, मतलब अगर आप अपने आप को ओवर एक्सपोज करते हो वायरस के पास, वायरल एटमॉस्फेयर में, तो आप ये मत समझना कि आप सेव्ड हो, आप बचे रहोगे। खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के बाद। इसलिए मैंने कहा एज क्रिटिकल फैक्टर है, और जितना ज़्यादा एज बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा इम्यूनो सप्रेसेंट डिजीज आपके अंदर है, बूस्टर डोज की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा है। और लास्ट में मैं आपको ये लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई ऐसे देश हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और गल्फ नेशन, जहां बूस्टर डोज लिए बगैर आप जा ही नहीं सकते। इसलिए बूस्टर डोज जरूरी है, और भारत सरकार ने इसीलिए 10 अप्रैल से 18 से ऊपर के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी बूस्टर डोज रिकमेंड कर दिया है, जो प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लिनिक, अस्पताल में अवेलेबल है। तो आप समझ गए होंगे कि बूस्टर डोज किन के लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और सरकार ने अपने तौर तरीकों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। पहले उम्र दराज लोगों के लिए किया और अब 18 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए किया। तो आज हेल्थ क्लास में इतना ही, आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।